दो तरह के स्टूडेंट्स हैं जो 20 आवर्स से ज्यादा ऑफ कैंपस काम कर सकते हैं। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा कि वीजास को लिमिटेड कर देंगे अब ये, तो काफी दिक्कत आने वाली है इस अनाउंसमेंट के बेसिस पे। ऐसे एक्सटेंशन का प्रोग्राम दोबारा नहीं आएगा, लेकिन अब वो टाइम निकल गया है, आपको डबल GIC भी जमा करनी होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनजे कैनेडियन व्लॉगर्स। मेरा नाम है जतिन, यह मेरी वाइफ निकिता। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और हमारी वीडियो की वेट कर रहे होंगे। सबसे पहले तो सॉरी हम दोनों की तरफ से कि लास्ट वीक हमारी कोई वीडियो नहीं आई। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो बहुत ही जल्दी हम अनाउंस करने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। फिलहाल आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये आइडिया लग गया होगा कि कैनेडा इमिग्रेशन ने काफी नई अनाउंसमेंट्स करी हैं, जो कि बहुत बिग अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जिनके बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी आने वाले हैं या जस्ट अभी आए हैं, तो उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है उन अनाउंसमेंट से। तो आज हम उन्हीं अनाउंसमेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं पूरी डिटेल में। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कोई भी अनाउंसमेंट मिस मत करिएगा, क्योंकि हर एक अनाउंसमेंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके बेस पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि रिसेंटली ICC ने 7 December 2023 को काफी सारी अपडेट्स दी हैं, काफी सारी न्यू अनाउंसमेंट्स करी हैं हम जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और आप जैसे जो लोग देख रहे हो उनके लिए और जो आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट अनाउंसमेंट से कि क्या फर्स्ट अनाउंसमेंट उन्होंने की है जो आप लोगों को इम्पैक्ट कर सकती है। तो पहली अनाउंसमेंट की बात कर लेते हैं, उसमें IRCC ने बोला कि दो तरह के स्टूडेंट्स हैं जो 20 आवर्स से ज्यादा ऑफ कैंपस काम कर सकते हैं 30 April 2024 तक। यही सेम अनाउंसमेंट लास्ट ईयर की गई थी जिसकी डेडलाइन थी 31 December 2023, बट उन्होंने इस चीज को एक्सटेंड किया है जो कि उनको लेके गए हैं 30 April 2024 तक। तो अब बात कर लेते हैं वो दो तरह के स्टूडेंट्स कौन से हैं। पहले वो स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा में 7 December 2023 से पहले आ चुके थे या उसी दिन जो लैंड हुए थे, वो लोग 20 आवर्स से ज्यादा काम कर सकते हैं। और दूसरे तरह के स्टूडेंट्स वो हैं जिन लोगों ने अपनी फाइल जो है वो 7 December से पहले लगा दी थी, चाहे उनको अभी तक रिजल्ट उसका नहीं मिला है, जब भी रिजल्ट मिलेगा चाहे अगले साल मिले चाहे आने वाले टाइम मिले, तो वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं, वो भी 20 घंटे से ऊपर काम कर सकते हैं। तो अब काफी सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट होगा कि वो कितने घंटे काम कर सकते हैं, 20 घंटे काम कर सकते हैं, 30 घंटे काम कर सकते हैं, 40 के साथ। इसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी IRCC ने, इतना भी आप काम करना चाहते हो आप काम कर सकते हो। हमारी एडवाइस यही है कि इतना काम करना करो, बट जिस चीज के लिए आप यहाँ आए हो, अपनी स्टडीज के लिए आए हो, अपनी स्टडीज पे फोकस करो। पहला मोटिव आपका वही होना चाहिए कि आपको अपनी स्टडी कम्प्लीट करनी है, पैसा तो आप कमाते ही रहोगे बाद में भी। तो IRCC ने इस अनाउंसमेंट के साथ एक और बिगेस्ट अनाउंसमेंट करी है जो इसी से रिलेटेड है, वो ये है कि वो नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए 20 आवर्स की लिमिट को हटा के 30 आवर्स कर देंगे। लेकिन उसकी अभी कोई डेट फाइनलाइज उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन ये अभी प्लानिंग फेज में चल रहा है। तो जो अभी अनाउंसमेंट हमने आपको बताई, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने अपना वीजा 7 December से पहले अप्लाई कर दिया है या जो 7 December से पहले कैनेडा में प्रेजेंट थे, क्योंकि वो इस अनाउंसमेंट के बेसिस पे बेनिफिट ले पाएंगे और वो जितने मर्जी घंटे चाहे काम कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट उन बच्चों पे होने वाला है जो अभी कैनेडा में नहीं आए हैं। जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं, मैक्सिमम इम्पैक्ट उनको ही होने वाला है, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ लैंड करेंगे ऑलरेडी बहुत सारी जॉब्स जो बच्चे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वो ले चुके होंगे, अभी से ही शुरू हो चुका है वो काम, तो जॉब्स कम होनी शुरू हो जाएंगी और वो बच्चों के आने तक जॉब्स नहीं बचेंगी। ऑलरेडी विंटर इनटेक में जॉब्स हमें मालूम है कि बहुत कम हो जाती हैं, हर जगह हर वर्क प्लेस पे आवर्स कम मिलने शुरू हो जाते हैं, तो काफी दिक्कत आने वाली है इस अनाउंसमेंट के बेसिस पे। तो दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट जो IRCC ने करी है, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले स्टूडेंट से, खास करके उन स्टूडेंट्स पे जो 1 January 2024 के बाद अपना वीजा अप्लाई करने वाले हैं, तो वो अनाउंसमेंट क्या है? पहले के टाइम में हम देखते थे जो भी स्टूडेंट आता था उसको सिंपली दो कंडीशंस फुलफिल करनी होती थी। पहला तो यही कि आपको फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर की फीस जमा करनी होती थी, साथ के साथ आपको $10,200 GIC भी जमा करनी होती थी। लेकिन अब वो टाइम निकल गया है फ्रेंड्स, अब टाइम थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये अनाउंस कर दिया गया है कि अब आपको अगर 1 January के बाद अपना वीजा अप्लाई करना है तो आपको ये दो कंडीशंस फुलफिल करनी है, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की फीस तो जमा करनी ही है, प्लस आपको
डबल जीआईसी भी जमा करनी होगी जो है $20,635, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है इंडिया के हिसाब से, तकरीबन 12 लाख बनते हैं उससे भी ज्यादा। प्लस अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की फीस भी जोड़ते हो तो अराउंड 25 लाख आपके एक बार में जाएंगे। तो आईआरसीसी ने यह भी अनाउंस किया है कि वो हर साल जीआईसी के अमाउंट को इवेल्युएट करा करेंगे। लिविंग ऑफ एक्सपेंसेस के हिसाब से वो जीआईसी के अमाउंट अप डाउन जा सकती है, लेकिन वो कितना होएगा कैसा होएगा वो अभी हिसाब किताब अपने पास नहीं आया है। और दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट को पर मंथ कितने पैसे आएंगे वो भी अभी क्लियर नहीं, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करो खुद से भी तो $1,000 से $1,100 के आसपास की वैल्यू बनती है। अब इस अनाउंसमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होने वाले हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होने वाला है कि जीआईसी की अमाउंट डबल हो गई है तो डेफिनेटली स्टूडेंट को बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा क्योंकि लिविंग ऑफ एक्सपेंसेस बढ़े हैं। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट के पास 10,000 ही जीआईसी सबमिट होती थी तो वो अपने थर्ड सेमेस्टर की फीस तो इजीली भर लेते थे, फोर्थ सेमेस्टर की फीस के लिए वो बीच में ब्रेक लेके फुल टाइम काम करते थे और कहीं ना कहीं से मैनेज करके वो भरते थे। लेकिन अब जीआईसी डबल होएगी तो डेफिनेटली आप आराम से अपनी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की फीस भर पाओगे, तो उस मामले में अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी। नेगेटिव इम्पैक्ट इस अनाउंसमेंट का ये होने वाला है कि हर फैमिली के लिए इतने पैसे अप फ्रंट भरना बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट जो होने वाला है कि कुछ स्टूडेंट्स को होता है जीआईसी पड़ी है अकाउंट में, चल आईफोन ले लेते हैं, चल लैपटॉप ले लेते हैं या फिर गाड़ी ले लेते हैं, तो उन बच्चों को काफी नुकसान होने वाला है क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे पड़े होंगे अकाउंट में, तो वो पैसे वो खराब भी कर सकते हैं। तो थर्ड अनाउंसमेंट की बात कर लेते हैं जो कि है वीजा के लिए, कि आईआरसीसी ने 2024 से शुरू कर दिया है कैप लगाना। कैप से मतलब है कि वीजा को लिमिटेड कर देंगे अब ये। तो वीजा को कैप क्यों लगाई जा रही है, जैसे कि आपको पता है कि पास्ट में काफी सारे बच्चे आए, उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, उनको जॉब नहीं मिल रही थी, हाउसेस क्राइसिस हो रहे थे। पहले जो है आईआरसीसी वीजा दे रही थी विदाउट लुकिंग द कैपेसिटी ऑफ यूनिवर्सिटी और कॉलेज, तो अभी चेंजेस ये आने वाले हैं कि आईआरसीसी जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के साथ क्लोजली मिलकर काम करने वाली है, इनकी कैपेसिटी के हिसाब से ही वो वीजा प्रोवाइड करेंगी। अगर किसी यूनिवर्सिटी का आप अप्लाई कर रहे हो और आप कैपेसिटी नहीं है तो आपका वीजा अप्रूव नहीं होगा। पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा होने वाला है। एज ए न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आप आओगे तो आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है, एज कम्पेयर टू जो पुराने बच्चे आए थे उनको काफी बुरा देखने को मिला था क्योंकि हाउसेज नहीं थे और जॉब्स भी नहीं मिल रही थी। तो फोर्थ जो बिग अनाउंसमेंट आईआरसीसी ने करी है वो ये है कि सितंबर 2024 से पीजीडब्ल्यूपी वीजा जो मिलते हैं स्टडी वीजा कंप्लीट होने के बाद, वो आपको कितना टाइम आप कनाडा में रह के स्टडी करी उसके बेसिस पे ही मिलेगा। जैसे कि पास में हमने देखा था जब कोविड निकला उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन का सिस्टम करा था जिसमें बहुत सारे बच्चे 2 साल का कोर्स लेते थे तो 1 साल इंडिया में रह के पढ़ाई करते थे, 1 साल यहाँ आके करते थे, फिर भी उनको 3 साल का पीजीडब्ल्यूपी मिलता था। सितंबर 2024 से अगर सेम सिनेरियो लिया जाए तो 2 साल का कोर्स ले रहे हो तो 2 साल में अगर 1 साल ही आपने यहाँ आके पढ़ाई करी, 1 साल इंडिया में करी, तो आपको पीजीडब्ल्यूपी सिर्फ 1 साल का ही मिलेगा। तो ये मेक श्योर करना कि अगर आप सितंबर 2024 के बाद यहाँ आ रहे हो तो डेफिनेटली आप अपना पूरा कोर्स ऑफलाइन लेके आओ और यहीं आके स्टडी करो ताकि आपको पूरा पीजीडब्ल्यूपी वीजा प्रोवाइड हो सके। सो फिफ्थ अनाउंसमेंट की बात कर लेते हैं। आईआरसीसी ने अनाउंस किया था कि जो लोगों का वीजा दिसंबर 2023 में फिनिश हुआ था उन लोगों को 18 महीने का एक्सटेंड वीजा मिलेगा, लेकिन अब आईआरसीसी ने ये बोल दिया है, ये एक्सटेंशन का प्रोग्राम इसीलिए आया था क्योंकि कोविड के दौरान उनके काफी सारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे तो उस कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए, उस चीज को ठीक करने के लिए उन्होंने एक्सटेंशन किया था। पर साथ ही उन्होंने ये भी बोल दिया है कि ऐसे एक्सटेंशन का प्रोग्राम दोबारा नहीं आएगा, तो हमारी एडवाइस यही है कि आप लोग एक्सटेंशन की उम्मीद मत रखो और जल्दी से जल्दी फोकस करो अपनी पीआर लेने के लिए। तो हमारी इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी और होपफुली आप अभी ये डिसाइड कर पा रहे होगे कि इन अनाउंसमेंट के बाद आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताना कि अभी इन अनाउंसमेंट के बाद आप क्या सोच रहे हो कि आप कनाडा आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है ये क्या करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।